सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आप सबके लिए आज खुशखबरी है। जून महीने का मानदेय कल 1 तारीख को एक राज्य में देखने को मिला है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मानदेय मध्य प्रदेश राज्य में ही बहनों के खातों में डलना शुरू हो जाता है और वही आज भी हुआ है। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि अपनी सलमा भी बहन है, साजापुर जिले से आती हैं और उनके जिले में 10,000 रुपया जो कि जून महीने का है, 1 जुलाई 2023, आप यहां पर डेट देख सकते हैं, उनके खाते में कल ये पैसा पहुंच गया है। बाकी जिलों में भी पैसा आया है, मैं आपको अभी उनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सलमा भी बहन का ये मैसेज आप देख सकते हैं कि साजापुर जिले का जून माह का मानदेय 10,000 रुपये डल गया है 1 जुलाई 2023 को, यानी कि कल। तो कल ही ये मैसेज सलमा बहन ने ऑल इंडिया को भेजा है। वहीं इसके अलावा शोभा गजबीय बहन है और ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आती हैं, यहां पर भी पैसा आ गया है। आपको अवगत कराना चाहेंगे, बहन ने कल अवगत कराया कि शोभा गजबीय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, भैया जी आज 1 तारीख को 10,000 रुपये मानदेय आया है, जून महीने का है। इस बार मध्य प्रदेश में 1 तारीख को मानदेय आया है और भैया जी ये पहली बार देखने को मिला है कि चुनाव है इसीलिए महीने के 1 तारीख को मानदेय आ गया। लेकिन बहन कहना चाहेंगे एमपी में तब भी अन्य राज्यों की तुलना में पैसा आ जाता है, खास तौर पर साजापुर जिले में। बाकी जिले को पता नहीं, लेकिन साजापुर जिले का पैसा तो समय से मुझे लगता है आता है, 1 सप्ताह के अंदर आ ही जाता है। तो अब ऐसे में देखिए, 1 तारीख थी कल, महीना जैसे ही पूरा हुआ उसके अगले ही दिन आंगनबाड़ी बहनों के खातों में पैसा भी पहुंच गया। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि आंगनबाड़ी बहनों का जैसे ही यहां पर महीना पूरा हो उनकी मेहनत का पैसा उनके खातों में समय से पहुंचा दिया जाए? अब देखिए उत्तर प्रदेश में कब तक मानदेय लगता है और फिर वो कब तक जाकर के सक्सेस होता है। यहां एमपी की बात करें तो एमपी में उसी दिन लगता है, उसी दिन सक्सेस हो जाता है और पैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश में बहनों को ज्यादा सरकार दे रही है। और उसके अलावा अभी आंगनबाड़ी बहनों का 3,000 रुपया और सरकार ने बढ़ाया, इसके पहले ही सरकार 10,000 दे रही थी। अब ऐसे में आप सोचिए कि जहां 10,000 मिलते हैं और जून महीने का जो अभी बहनों को 10,000 ये कल मिला है, ये इनका लास्ट पैसा है, इसके बाद जब मिलेगा तो इसमें 3,000 रुपये ये वाले प्लस ऐड हो जाएंगे, उसके बाद में प्लस 1,000 रुपये लाडली बहना योजना के भी बहनों को मिलेंगे और हर साल जब जब एक एक साल गुजरेगा 1,000 रुपया प्लस में और बहनों के बढ़ते चले जाएंगे। तो 14,000 तो बहनों को अभी अगले महीने बहनों के खातों में मिल जाएगा बहनों को, लेकिन उसके बाद में आपको बता दें 1,000 हर साल बहनों के बढ़ेंगे। अब ये जो वृद्धि हुई है, वार्षिक वृद्धि, उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर विचार करे, ऑल इंडिया का सुझाव है, और इसके अलावा बहनों का मानदेय भी बढ़ाए। जैसे कि एमपी में सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 13,000 कर दिया और हर साल वार्षिक वृद्धि का 1,000 रुपया मिलेगा और लाडली बहना योजना का भी 1,000 मिलेगा, जिसको आने वाले समय में कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि 3,000 रुपये तक वो राशि बढ़ा दी जाएगी। तो वहां पर कुछ लगेगा कि हाँ हम आंगनबाड़ी की जॉब कर रहे हैं, बाकी हमारे उत्तर प्रदेश में बहनों की हालत बहुत ही खस्ता है, यहां पर मेहनत ज्यादा है, मेहनत का पैसा कम है। छोटेलाल बुनकर जी आते हैं और जिन्होंने भी राजस्थान से आवाज उठाई है। राजस्थान में 30 जून को सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर आंगनबाड़ी मानदेय कर्मिकों के द्वारा नियमितीकरण, सम्मानजनक मानदेय में वृद्धि सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर विरोध प्रदर्शन की कुछ यादगार झलक उन्होंने अपने फेसबुक से हाल ही में शेयर की है, जो कि ऑल इंडिया पर हम आप सबको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से
राजस्थान में भी बहनें अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रही हैं, धीरे धीरे करके अपनी आवाज को उठाती नजर आ रही हैं। और कोई थोड़ी संख्या में बहनें यहां पर नहीं है, बहुत संख्या में बहनें बैठी हैं और अपने नियमितीकरण और जो भी वादा सरकार ने किया है उन सभी वादों को निभाने के लिए बहनों ने एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद किया है, जो कि आप यहां ऑल इंडिया के थ्रू देख पा रहे हैं। अब दोस्तों चलते हैं आगे, क्योंकि और भी जानकारियां आपको इस वीडियो में हमें देनी है। तो आपको बता दें कि बाल विकास परियोजना के 3 अफसरों का वेतन रोका गया है, और यह वेतन क्यों रोका गया है यह जानना हम सबके लिए जरूरी है, ताकि कहीं इस चक्कर में हम सबके ऊपर भी कोई कार्रवाइयां ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई होगी, जिसके चलते अधिकारियों का वेतन रुका। और अगर अधिकारियों का वेतन रुक जाए, यानी CDPO इन लोगों का भी वेतन रुक जाए, तो फिर आंगनबाड़ी बहनों कहीं ना कहीं कमियां अपने स्तर पर होंगी, तो उसका जो खामियाजा होगा वो हम सबको भी भुगतना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि DM उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जुलाई में प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा बैठक की गई। DM ने मिर्जापुर कलान एवं कांट विकास खंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के खराब प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। तो देखो किसके प्रदर्शन पर, आप सबके, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के खराब प्रदर्शन पर लिखा गया है, कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। नियमित टीकाकरण एवं मोबिलाइजेशन, इसमें बरेली मंडल में जनपद शाहजहांपुर के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने पर फील्ड मॉनिटरों और ब्लॉक मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटरों को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। DM ने मिर्जापुर एवं कलान विकास खंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी का वेतन रोकने और जवाब तलब करने के निर्देश दिए। कांट के बाल विकास परियोजना अधिकारी का भी जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने। और SNCO से ठीक होकर के घर भेजे गए बच्चों को गलत लिख दिया गया, शायद NRC लिखना चाहते होंगे। गृह भ्रमण की खराब स्थिति पर कांट और मदनापुर के MOIC वगैरह को सुधार को निर्देश दिए। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर बौरी में भी तैनात CHO हैं शिल्पी यादव, इनके लगातार अनुपस्थित रहने पर जिला स्वास्थ्य समिति की संतुति के आधार पर सेवा समाप्त करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से काफी लोगों की सेवाएं भी समाप्त यहां पर की गई हैं इसी स्वास्थ्य विभाग में काम में लापरवाही के एवज में। और आंगनबाड़ी बहनों के प्रति जो परियोजना अधिकारियों पर नाराजगी जताई गई है वो है आपके जो है कार्य में खराब प्रदर्शन पर, जैसे कि टीकाकरण वगैरह इन सब चीज़ों में, मोबिलाइजेशन में, तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। वहीं एक और जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि निकल के आ रही है, कुपोषित बच्चों की थाली में हरी सब्जियाँ गायब हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जानकारी, एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया है, रामपुर में ये मैटर प्रकाशित है। और इसमें राजेश कुमार DPO जी का क्या कहना है कि जिले में करीब 700 आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिकाएं तैयार की गई हैं, मिड डे मील में सब्जियां शामिल की जा रही हैं, पुष्टाहार वितरण पर निगरानी की जा रही है, पोषण किट से काफ़ी संख्या में कुपोषित बच्चे सेहतमंद हो गए हैं, जबकि 2000 बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण किट का वितरण किया जा रहा है। तो देखिए क्या जानकारी है और क्या इसमें दिया जा रहा कि कुपोषित बच्चों की थाली से हरी सब्जियाँ गायब हो गई। अब गायब कहां से हो गई उस पर जवाब देने की बजाय जिले में करीब 700 आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिकाएं जो बनाई गई उसमें सब्जियां शामिल की जाएंगी, ये जवाब दे दिया गया कि जो पोषण वाटिकाएं बनी है उससे सब्जियां वहां से शामिल कर ली जाएंगी। आप सब बहनें जानती हैं पोषण वाटिकाएं का संचालन कर रही होंगी, कितनी ज़्यादा आपके जो है उसमें पोषण वाटिकाओं में सब्जियाँ उग रही हैं। अगर उग भी रही हैं तो लोग उनको कौन चुरा करके ले जा रहा है, क्या वो लाभार्थी तक जा रही हैं या फिर उग ही नहीं रही हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अब आप ऐसे में खुद ही बताओ कि इन सब चीज़ों से क्या कुपोषण मिट जाएगा ऐसे राम भरोसे? तो खुद से सोचो, 2700 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिले भर में, 48,000 गर्भवती और धात्री महिलाएँ वहाँ पर हैं, 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को प्रतिमाह 1 दलिया, 1 किलो चना दाल, 450 ग्राम रिफाइंड, तो यहाँ पर वो पोषाहार का वो मानक दर्शाया गया है। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर बोला क्या जा रहा है आगे, कुपोषित बच्चों को हरी सब्जी से सेहतमंद बनाने का प्लान फेल हो गया,
अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में पोषण वाटिकाएं तैयार नहीं हो सकी। बच्चे और गर्भवती महिलाओं का सरकारी पुष्टाहार भी नहीं पहुंच रहा। सिर्फ एपीओ की पोषण किट के सहारे कुपोषण के से जो है जंग लड़ी जा रही है। अगर बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक सरकार से मिलने वाला पुष्टाहार ईमानदारी से पहुंच जाए तो कुपोषण के खात्मे के लिए पोषण किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीएम के नेतृत्व में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और पोषण प्रबंधन के प्रयास जो है किए जा रहे हैं। करीब 8 महीने पहले पोषण वाटिका कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करने का प्लान तैयार किया गया था। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में पोषण वाटिकाएं बनानी थी और वाटिकाओं में बैंगन, लौकी, तरोई, फ्रेंच बीन्स, भिंडी, टमाटर, लोबिया ये सब उगा करके कुपोषित बच्चों के घरों तक पहुंचानी थी। लेकिन अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में पोषण वाटिकाएं नहीं बन सकी। हर महीने कई हजार कुंटल पुष्टाहार शासन से मिल रहा है लेकिन कहां और किसे बट रहा है यह नजर नहीं आता। तो भाई जिम्मेदार कहां है, जिम्मेदारों को देखा जाए कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को ये खेती बाड़ी का भी काम सौंपा जा रहा कि पोषण वाटिकाएं बनाओ, उसमें सब्जियां उगाओ और फिर कुपोषित बच्चों का कुपोषण मिटाओ। तो अब जाहिर सी बात है आंगनबाड़ी सेंटरों में जहां चार दीवारी है वहां तो ठीक है, लेकिन फिर भी जब फल लगेंगे या सब्जियां लगेंगी तो लोग ऐसे भी हैं गांव क्षेत्र के जो निकल करके वहां चले जाएंगे और सब्जी तोड़कर चले आएंगे, क्योंकि महंगाई के आज के इस दौर में कोई जो है मौका नहीं छोड़ता। अब ऐसे में अब आप बताओ वो बेचारी पानी देती देती जो है थक जाएंगी, अंततः जब सब्जी लगेंगी तो उसका जो है कोई चोर चोरी करके ले जाएगा, तो क्या इससे कुपोषण मिट पाएगा? क्या ये कारगर तरीका हो सकता है? अब ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे रात को भी आंगनबाड़ी वहां सब्जियां अपना पोषण वाटिका को रखाएंगी। तो खुद सोचिए जरा कि कितने घंटे की ड्यूटी है और क्या क्या करें। हमारी केंद्रीय मंत्री तो 1-2 घंटे की भी बस ड्यूटी बताती हैं। अब ऐसे में पोषण वाटिका में बहने काम करें, गर्भवती महिलाओं की देखरेख करें, बच्चों का टीकाकरण करें, बच्चों को 3 से 6 वालों को पढ़ाएं भी स्कूल के टाइम तक, बहुत सारे कार्य करें, तो अब ये सब क्या 1 घंटे में हो जाएगा? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिन पर संज्ञान लेना चाहिए लेकिन कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। आगे देखिए संगीता तोमर बहन आगरा से, जिन्होंने ये दोनों आर्टिकल ऑल इंडिया को भेजे हैं। एक और आर्टिकल भेजा था संगीता बहन ने कि सैम मैम बच्चों के चिन्हीकरण का कार्य गंभीरता से करें। ये डीएम ने दरअसल निर्देश दिया है, ये बहजोई पड़ता है, वहाँ का मामला है। बहजोई में ICDS की समीक्षा बैठक करते DM मनीष बंसल, तो वहां से एक ये आर्टिकल निकल के आ रहा है। तो NRC में कम बच्चे जो है भेजने पर असमोली और गुन्नेर के CDPO के वेतन रोकने समेत लक्ष्य के सापेक्ष निरीक्षण ना करने पर मुख्य सेविका मालती यादव का भी 2 दिन का वेतन काटने का उन्होंने भी वहां पर निर्देश दिया था। तो इन सब कार्यों में लापरवाही ना बरती जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर विद्युतीकरण को लेकर के भी वहां पर उन्होंने जानकारी ली थी। इसके अलावा चलते हैं आगे और आपको बता दें कुपोषण से मुक्ति को काम करें अधिकारी, ये जौनपुर का मामला, DM ने यहां पर निर्देश दिया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पूरा ऐसे कई मैटर सामने देखने को मिल रहे हैं। अब देखिएगा जुलाई शुरू हो चुका है, अब ऐसे में आप लोगों को कई कार्य देखने को मिलेंगे। सेंटर खुलेंगे तो बहुत सारे लेटर भी आएंगे, तो अब अपनी खबरों में दोस्तों बने रहना और जानकारियों को हासिल करते रहना। उत्तर प्रदेश में मानदेय के बारे में जैसे ही जानकारी आएगी पैसा लगना शुरू होगा, आप लोगों को जानकारी ऑल इंडिया के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।